हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 18th ऑफ मई 2022। तो 18 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाते हैं, आपकी तैयारी प्रिलिम्स ऑब्जेक्टिव के व्यू पॉइंट से कराते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करिए। ये आप लॉन्ग रन में जरूर मुझे थैंक यू बोलेंगे। जब आपका एग्जाम होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चंस को करने का अपना कितना महत्व है। सही करते हैं, गलत करते हैं, नहीं अटेम्प्ट करते हैं, हर चीज़ की वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है द पोस्चर ऑफ छौक एंड त्रिभंगा आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो त्रिभंग और छौक जो मुद्रा है, तो छौक मुद्रा जो है वो किससे एसोसिएटेड। ऑप्शन आ रहे सत्रिया, बी मणिपुरी, थर्ड इज कथक या डी उड़ीसी। क्वेश्चन नंबर टू है जैनिज्म पोस्टुलेट्स दैट टाइम हैज नो बिगिनिंग और नो एंड, इट मूव्स लाइक अ व्हील ऑफ अ कार्ट। इन दिस कंटेक्स्ट उत्सर्पिनी एंड अवसर्पिनी आर वॉट। तो उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी इनमें से क्या है? फर्स्ट इज टू ऑस्पिशियस टाइम पोर्टल्स वेयर वन कैन अटेन ट्रू कैवल्य, बी टाइम ऑफ द बर्थ एंड डेथ ऑफ अ तीर्थंकर रिस्पेक्टिवली, सी इटरनल साइकिल्स ऑफ मोरल राइज एंड डिक्लाइन, या डी टाइम लाइन ऑफ द बर्थ ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट तीर्थंकर। तो उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी इनमें से क्या है, क्वेश्चन ये आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है बुद्धा की लाइफ के कुछ इवेंट्स हैं, उसके कुछ सिंबल्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सिंबल्स जो हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। पहला है बर्थ लोटस एंड बुल, निर्वाण के आगे लिखा है उत्स्तूपा, ग्रेट रिनंसिएशन के आगे लिखा है हॉर्स, फर्स्ट सरमन के आगे लिखा है व्हील। तो आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन से। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं ये तीनों, आप अटेम्प्ट करिए अपने तरफ से और बताइए कि कितने आपने सही किए। आंसर्स मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो छौक और त्रिभंग जो मुद्रा है वो ओडिसी डांस से रिलेटेड है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब आप ओडिसी डांस के बारे में पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि छौक के बारे में लिखा है और त्रिभंग मुद्रा के बारे में लिखा है ना, कि बॉडी को तीन तरफ से तोड़ा जाता है, वैसा एक मुद्रा होती है। ठीक है, जैनिज्म में उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी, एक्चुअली में उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी जो है ना वो मोरल साइकिल का राइज एंड फॉल है। मतलब कि जैसे क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ चलता है मोरल साइकिल का भी, तो ये मोरल साइकिल का राइज है और ये मोरल साइकिल का फॉल है। तो ये जो है ये है उत्सर्पिनी, मतलब जब मोरली आदमी बहुत ज़्यादा ऊपर रहे तो वो उत्सर्पिनी, और ये है मोरली डिग्रेडेशन या डिटूरिएशन का पॉइंट जिसको बोलते हैं अवसर्पिनी। तो ये आपको याद रखना है, मोरल राइज एंड फॉल। थर्ड क्वेश्चन था बुद्धा की लाइफ के कौन से इवेंट्स और कौन सा उसके सिंबल है। तो यहाँ पे एक सिंबल जो है वो गलत है, वो आपको ढूंढना था निर्वाण। निर्वाण का जो सिंबल है वो स्तूप नहीं होता है, वो बोधि ट्री होता है। अगर आपको पता हो निर्वाण इज समथिंग एल्स और परिनिर्वाण इज समथिंग एल्स। तो महापरिनिर्वाण जो है वो उसका है, आपका जो सिंबल है वो आपका होगा स्तूपा, है ना, महापरिनिर्वाण का जो लास्ट में जिसमें कि जो डेथ का इवेंट कहलाता है एक तरीके से। और निर्वाण इज द इनलाइटनमेंट, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, है ना, वो उसका सिंबल है बोधि ट्री। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1, 3 and 4 विल बी द करेक्ट वन, आंसर हो जाएगा सी। तो ये तीन सवाल थे, आई होप आपने अटेम्प्ट किए हों। मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे है To be secure on land, we must be supreme at sea. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लिखिए इसके बारे में आंसर। To be secure on land, we must be supreme at sea. In this context, discuss why India is primarily a maritime nation. आपको बताना है कि क्यों हम एक maritime nation हो सकते हैं या है, तो आपको बताना है कि हम क्यों हैं इस तरीके से इस कंटेक्स्ट में। टू बी सिक्योर एट लैंड वी मस्ट बी सुप्रीम एट सी। तो दिस इज अ क्वेश्चन 150 वर्ड में अगर आप लिख सके तो बहुत अच्छा होगा, है ना, 150 से 200 वर्ड में आप इसका आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस। में सबसे पहले एक फैक्चुअल न्यूज़ में आपको बता दूं कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको नोटिफाइड किया गया है एज अ टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि रामगढ़ विषधारी, याद रखिएगा रामगढ़ विषधारी विल बी द 52nd टाइगर रिजर्व, 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो ये इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व रहेगा और राजस्थान का 4th टाइगर रिजर्व रहेगा आफ्टर रणथंबोर, सरिस्का एंड मुकुंदरा। तो राजस्थान में ऑलरेडी 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से, रणथंबोर, सरिस्का और मुकुंद्र। ये याद रखेगा, तीनों नाम याद रखेगा, मुकुंद्रा भी याद रखेगा कि राजस्थान में है और रणथंबोर तो आपको याद रहेगा, सरिस्का भी आपको याद रहेगा, लेकिन हो सकता है मुकुंद्रा भूल जाए। तो मुकुंद्र याद रखेगा और अब याद रखेगा चौथा कौन सा आपका, रामगढ़ विषधारी। तो रामगढ़ विषधारी क्वेश्चन पूछ सकता है ना।
एक गुरु घासीदास भी था आपको पता, चलो एक इसका आंसर कर, गुरु घासीदास कहाँ पर है, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। तो दिस इज वन न्यूज विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स आए हैं आज दिन के। तो यहाँ पे हम थोड़ा इकोनॉमी पेज पे आते हैं, देखते हैं पीएम मोदी अनवील्स कंट्रीज फर्स्ट 5G टेस्ट बेड। अब कंट्री का जो पहला 5G टेस्ट बेड है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं मैं, देखो 5G टेस्ट बेड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टार्टअप्स हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं या कि जो भी हमारे इंडस्ट्री के प्लेयर्स हैं, वो अपने 5G नेटवर्क को टेस्ट और वैलिडेट कर सकते हैं इस टेस्ट बेड के थ्रू, ठीक है ना। देखो अभी क्या है कि अगर ये टेस्ट बेड इंडिया में नहीं होता तो क्या होता है, इसके कारण होता ये कि जो भी हमारी 5G सर्विसेज हैं या जो भी हमारा 5G से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टेस्ट करने के लिए हमको फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। वी वुड हैव बीन डिपेंडेंट अपॉन द आउटसाइड पावर्स फॉर टेस्टिंग आर 5G फैसिलिटीज एंड ऑल। सो इफ वी हैव अ टेस्ट बेड फैसिलिटी फॉर 5G, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द आउटसाइड पावर्स, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन देम, एंड वी कैन इंडिजिनसली टेस्ट आर 5G फैसिलिटीज। हम अपने 5G फैसिलिटीज को यहीं इंडिया में इंडिजिनसली टेस्ट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस 5G टेस्ट बेड। अब दिस 5G टेस्ट बेड बेसिकली हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, ISC बैंगलोर, इसके अलावा सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जिसको समीर भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी। इनके ऊपर एक जो इंस्टीट्यूट था जिसने लीड किया था वो था IIT मद्रास। सो एक्चुअली IIT मद्रास जो है दैट इज द लीडर इंस्टीट्यूट, एंड दीज IITs आर द IITs एंड ISCs प्लस दीज वन और टू इंस्टीट्यूशंस मोर, दे आर ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स फॉर क्रिएटिंग दिस टेस्ट बेड फैसिलिटी। तो दिस टेस्ट बेड फैसिलिटी इज देयर, एंड दिस टेस्ट बेड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल एट 5 डिफरेंट लोकेशंस। तो 5 अलग अलग लोकेशंस पे ये अवेलेबल रहेगा, एंड फ्रॉम देयर 5G facility can be tested and all, है ना? So this is a very important news, 5G test facility. इसके अलावा let me tell you some facts about TRAI as well. TRAI is basically Telecom Regulatory Authority of India. TRAI क्या है? Telecom Regulatory Authority of India. इसको establish किया गया था 20th February 1997 को. It was established on 20th February 1997 and it is a statutory body because it came after a statute or after an act of parliament, which is the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997. So basically this is a regulatory body for the telecommunication. This was established on 20th February 1997 and it is a statutory body hai. Kyun? Kyunki it is made by an act, that is the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997. And what are the objectives of TRAI? TRAI ke objectives kya hai? TRAI's mission is to create and nurture the conditions for growth of telecommunication in the country. Means it makes the conditions better for the growth of telecommunication in this country. Then TRAI regulates the telecom services including the fixation or revision of tariffs. So this is another important functioning of TRAI, that it fixes or it revises the tariffs. यानी कि जो पैसा associated है TRAI के साथ, यानी कि जो money associated है कि कितना tariff लगेगा, कितना क्या billing का system रहेगा, वो decide कौन करता है? वो TRAI डिसाइड करता है, क्योंकि ये टेलीकॉम का एक रेगुलेटर है, तो ऑब्वियसली बात है सुपर मोस्ट बॉडी है। इट आल्सो एम्स टू प्रोवाइड अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट व्हिच प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स। तो ऑब्वियसली बात है टेलीकॉम के फील्ड में बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं, एंड इन ऑर्डर टू हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटर्स, TRAI बॉडी है वो ये मेक श्योर करती है कि सबको बराबरी का मौका मिले, इसलिए कंडीशंस ऐसी रहें कि सभी का ग्रोथ हो सके। कंपोजिशन की अगर हम बात करें TRAI की, तो इसमें एक चेयर पर्सन होता है, 2 होल टाइम मेंबर्स होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, एंड ऑल ऑफ विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो TRAI हैज अ चेयर पर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेन्योर ऑफ द मेंबर्स बेसिकली अगर आप देखें तो चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स
और टिल दी एज ऑफ 65 ईयर्स। तो इसमें 3 साल या 65 साल जो एज लिमिटेशन है ट्राई की वो 3 साल या 65 साल है, विच एवर इज अर्लियर। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थिंग्स रिगार्डिंग ट्राई, ये भी इंपॉर्टेंट था जानना। होल सेल इन्फ्लेशन क्विकेंड टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 15.1% इन अप्रैल। अप्रैल में जो होल सेल इन्फ्लेशन था वो बढ़ गया लगभग 15.1% के आसपास, इट वॉज अ रिकॉर्ड हाई। बात कर लेते हैं होल सेल इन्फ्लेशन इंडेक्स की। तो देखो होल सेल प्राइस इंडेक्स जो है, व्हाट इज दिस होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता आया है, फिर से पूछ सकता है प्रिलिम्स में भी। तो होल सेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, देखो कोई भी प्राइस इंडेक्स जो है उसका मतलब होता है कि प्राइजेस के लेवल में क्या चेंज हो रहा है, व्हाट इज द चेंज इन द प्राइस लेवल एट होलसेल लेवल, दिस इज सिंपल होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो होलसेल लेवल क्या है, होलसेल लेवल मतलब कि बल्क लेवल, जहां पे जो ट्रेड होता है वो किसके बीच में होता है, ट्रेड वहां पे बिजनेस और एंटिटीज के बीच में होता है, जैसे कि एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को बेचा, तो ये होलसेल लेवल है। यहां पे रिटेल कंज्यूमर नहीं आ, हम लोग नहीं आ रहे, कंज्यूमर्स नहीं आ रहे, हम कब आते हैं, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे आते हैं, कहा जब हम डायरेक्टली दुकान से सामान ले। देखो सर्कल कैसा चलता होगा कि मान लो यहाँ पे जो बिस्किट बनाने वाला है, बिस्किट बनाने वाला वो कहाँ से खरीदेगा, वो अगर सपोज करो वो मैदा खरीद रहा है या आटा खरीद रहा है तो किसी और से खरीद रहा है, यहाँ पे इनका जो डीलिंग है। अब एक रिटेलर है, एक दुकानदार है, दुकानदार मान लो बिस्किट खरीद रहा है तो बिस्किट की कंपनी से खरीदेगा, तो यहाँ जो कंपनी से जहाँ से आ रहा है ये होलसेल लेवल है, है ना। यहाँ पे कंज्यूमर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ पे एक शॉपकीपर इन्वॉल्व है, किसके साथ, एक बड़े बिजनेस एंटिटी, दोनों ही बिजनेस और एंटिटीज है मतलब की। तो यहाँ बिजनेसेस और एंटिटीज के बीच में जब ट्रांजैक्शन होता है तो वो होलसेल लेवल का ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज एट द ट्रेडेड एट द बिजनेस लेवल, नॉट एट द कंज्यूमर लेवल, है ना, कंज्यूमर लेवल पे नहीं होता। तो ये कंज्यूमर प्राइस की सिचुएशन को नहीं बताता है। WPI को रिलीज करता है इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो WPI जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसको रिलीज कौन करता है, इकोनॉमिक एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। पर्पस क्या होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, टू इंस्पेक्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स दैट रिफ्लेक्ट द सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्री। तो ऑब्वियसली बात है ये इंडस्ट्री के सप्लाई एंड डिमांड को शोकेस करता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखो दुकानदार कौन सी चीजें ज्यादा खरीदेंगे, दुकानदार वो चीजें ज्यादा खरीदेंगे जिनकी डिमांड कंज्यूमर लेवल पे ज्यादा होगी, कॉमन सेंस है ना। तो दुकानदार वो चीजें ज्यादा खरीदेंगे जिनकी डिमांड कंज्यूमर लेवल पे ज्यादा होंगी। तो वही चीज यहां पर है कि जिन चीजों की डिमांड कंज्यूमर लेवल पे ज्यादा है या जिन चीजों की डिमांड कंज्यूमर लेवल पे कम है वो पता चल जाता है बाय दिस होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 2017 में बेसिकली याद रख, हाँ जो ये WPI कैटेगरीज हैं इसमें 3 चीज़ें आती हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। कौन कौन सी, प्राइमरी आर्टिकल्स, फिर फूड एंड फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। प्राइमरी आर्टिकल्स में भी फिर वही फूड आर्टिकल्स, नॉन फूड आर्टिकल्स ऐसे आते हैं, फ्यूल एंड पावर तो आपका अलग ही हो गया, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स फिर अलग हो गए, ठीक है ना। अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट ने इसका जो बेस ईयर था वो रिवाइज कर दिया था, 2011-12 इज द न्यू बेस ईयर फॉर WPI, यानी कि WPI के लिए बेस ईयर ये है। इसके अलावा याद रखिएगा दिस इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर द सर्विसेज एंड ऑल, इट इज नॉट कैलकुलेटेड फॉर द सर्विसेज। तो WPI डज नॉट कंसीडर द प्राइस ऑफ सर्विसेज, ये क्लियर कट याद रखिएगा कि WPI डज नॉट कंसीडर द प्राइसेज ऑफ सर्विसेज, केवल गुड्स की प्राइसेस को देखता है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड आपका फ्यूल एंड पावर। तो दीज आर द ओनली थिंग दैट आर इंक्लूडेड, नो सर्विसेज आर इंक्लूडेड अंडर WPI। तो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपसे बनना चाहिए। फिनलैंड एंड स्वीडन टू सबमिट नेटो मेंबरशिप बिड टुडे, टर्की ने अपोज किया है लेकिन फिनलैंड एंड स्वीडन आर ट्राइंग हार्ड टू गेट इनटू द नेटो। एंड टर्की ने इसलिए मना किया कि टर्की ने कहा कि कुर्दिश एक्साइल्स में है उनके लिए कुछ नहीं किया गया इनके द्वारा, सो दैट इज द रीजन वाई टर्की इज नॉट वेरी हैप्पी विथ फिनलैंड एंड स्वीडन। एंड याद रखिएगा कि ऑल द 30 कंट्रीज ऑफ नेटो, प्रेजेंटली देर आर 30 members ऑफ नेटो, so all these 30 members must sign and must agree
to open the door to new members. So any new member can be included into the grouping only if all the members of NATO who are present members of NATO are signing or are agreeing to. Matlab all 30 members need to agree, hai na? It is a consensus based thing. No one country should oppose the inclusion of a country. So yahan pe jo ye do Nordic countries hai, yani ki jo Finland aur Sweden hai, jo ki try kar rahi hai yahan pe entry karne ke liye NATO ki membership mein, to ye Turkey jo hai, it can come as a great hurdle in that membership, hai na? To Turkey ने अभी मना किया है, so let's see कि टर्की क्या करता है फाइनली अपना डिसीजन। so आगे मूव करते हैं यहाँ पे। मैरिटल रेप पिटीशन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अपीलिंग हाई कोर्ट स्प्लिट वर्डिक्ट। तो यहाँ पे हाई कोर्ट का जो अभी रिसेंटली स्प्लिट वर्डिक्ट था मैरिटल रेप पे, मैंने आपको बताया था राजीव शखधर और जस्टिस श्री हरिशंकर के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसमें राजीव शखधर जी ने कहा कि मैरिटल रेप भी अपने आप में एक रेप होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि अ वुमन इज मैरिड और नॉट। रेप इज अ रेप। रेप में दो चीज़ें होती हैं, लॉस ऑफ कंसेंट, कंसेंट नहीं होता, प्लस फोर्सफुल सेक्शुअल इंटरकोर्स। एंड वही चीज़ अगर कोई मैरिड कपल भी कर रहा है अपने अपनी वाइफ के साथ, या वाइफ कर रही है हस्बैंड के साथ, कुछ भी हो सकता है। देखो मैरिटल रेप में तो दोनों ही चीजें हैं, है ना? तो दोनों ही चीजें इंक्लूड करो ना, या तो फिर बात करो तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करो। तो वही वाली चीज है कि ऑल दीज थिंग्स आर देयर, तो ये अपने आप में एक रेप आता है। एंड वहीं पे श्री हरिशंकर जी का कहना था कि सिंस मैरिज इज सैंक्रोसेंट, इट्स अनदर इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस ट्रेडिशन कल्चर एंड ऑल, सो वी कैन नॉट से दैट कि मैरिज में दूसरी चीज इज एविडेंस will be very difficult for that together, है ना? उसके केस में evidence बहुत मतलब मुश्किल से मिल सकता है, plus it is it can be misused again and again, इसका misuse बहुत हो सकता है, है ना? तो all these things are there. अब एक चीज आपको बता दूं कि जो section 375 है IPC का, यानी कि रेप से ही रिलेटेड है, उसमें एक एक्सेप्शन दिया गया है, उसके अगेंस्ट अपील है बेसिकली ये। उसमें एक्सेप्शन ये दिया गया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ इंटरकोर्स करता है या सेक्सुअल एक्ट करता है, है ना, वाइफ बीइंग नॉट बीइंग अ माइनर, वाइफ माइनर नहीं होनी चाहिए, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड रेप, है ना? तो ये एक्सेप्शन एक दिया गया है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ के साथ इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्ट करता है एंड द वाइफ नॉट बीइंग अ माइनर, वाइफ माइनर नहीं होनी चाहिए बस, सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड that as rape, so that there is an exception in section 375 of IPC. So basically uske against bhi ye challenge hai. So I hope you got clarity regarding that as well. Ek report aayi hai yahan pe, 1 in 6 global deaths in 2019 linked to pollution. तो इसको फैक्ट के रूप में याद रखो, लैंसेट पैनल ने ये स्टडी करके हेल्थ के ऊपर ये रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया उन्होंने कि पॉल्यूशन हैज कॉज्ड नियरली 9 million डेथ्स इन 2019. ये फैक्ट लिख लो, क्योंकि कल को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो GS3 में आपको इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कई बार essays ऐसे मिल जाते हैं जिसमें आपको लिखना होता है, तो इन एनी essay टाइप क्वेश्चन और इन एनी GS3 क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी, you can use this fact ki pollution has caused nearly 9 million deaths in 2019, matlab ki 1 in every 6th death worldwide is because of pollution. सो द नंबर्स आर स्टार्क, बहुत ही जो रियलिटी है बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयावह रियलिटी है ये। सो बेसिकली दैट इज द थिंग विच यू कैन राइट अबाउट दिस इज देयर, है ना? तो याद रखिएगा। अब अगली न्यूज़ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस टू बायोडाइवर्सिटी लॉ विल वीकन इट, जयराम रमेश। अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि रिसेंटली बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 लाया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021। सो नाउ नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वॉट इट ट्राइज टू डू, इट ट्राइज टू अमेंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। देर वॉज अ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जिसको अमेंड करने की कोशिश कर रहा है ये आपका 2021 का बिल। नाउ वॉट इट इज डूइंग इज दैट इट इज बेसिकली बिकॉज इट ट्राइज टू फेवर द कंपनीज, नाउ जो आयुष कंपनीज हैं उनको फेवर करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। दिस इज वॉट द अपोजिशन इज सेइंग। क्यों? क्योंकि रिसेंटली 2016 में, अगर आपको याद हो तो 2016 में एक मतलब कि आयुष मिनिस्ट्री, मतलब 2016 में उत्तराखंड जो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड था उसने दिव्य फार्मेसी, जो कि स्वामी रामदेव जी चलाते हैं, तो दिव्य फार्मेसी को एक
नोटिस भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट का उल्लंघन किया है बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विदाउट टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड। तो हर स्टेट का एक बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, तो स्टेट का बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या आप उस नेचुरल रिसोर्स को यूज कर सकते हैं और नॉट, वेदर यू कैन यूज दैट नेचुरल रिसोर्स और नॉट। सो यू सी व्हाट हैपेंस इज दैट व्हाट दीज आयुर्वेदा कंपनीज आर डूइंग, दे आर यूजिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी ओनली, दे आर यूजिंग द एनवायरमेंटल रिसोर्सेज ओनली। सो समटाइम्स इन कमर्शियल रन समटाइम व्हाट हैपेंस इज दैट बिकॉज ऑफ द कंपनीज कमर्शियल स्ट्रक्चर व्हाट दे डू इज दैट दे स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल resources, they start wasting the natural resources, they start using it so much pace that natural resource can get exploited and can get finished off, है ना। तो ये दिक्कत हो रही है, तो बार बार क्या हो रहा है कि लोग इतना ज्यादा ये companies resources को use कर रही हैं कि पूरी biodiversity destroy हो सकती है। so इसी कारण से उत्तराखंड के जो biodiversity board है उसने एक notice दिया था। अब देखो companies को problem तो हो रही है, आयुष ministry का आयुष की जो companies होंगी उनको आयुर्वेद के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी तभी तो वो दवाइयां बना पाएंगे। ऐसे में जयराम रमेश का कहना है कि ये जो बिल लाया जा रहा है ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 को डाइल्यूट करने के लिए लाया जा रहा है। इट इज ट्राइंग टू डाइल्यूट द बायोडाइवर्सिटी एक्ट एंड इट इज ट्राइंग टू डाइल्यूट द जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है उसकी पावर को भी कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। एंड इसमें एक दिक्कत यह कि जो आयुष के प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बिल का एक प्रोविजन है कि आयुष के प्रैक्टिशनर्स को इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है, मतलब कि वो रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं बिना परमिशन के ऑल। तो आयुष के प्रैक्टिशनर्स के लिए इन्होंने एग्जेम्पशन दिया है। तो जयराम रमेश जी का कहना है कि जो ये एग्जेम्पशन दे रहे हो आप आयुष के प्रैक्टिशनर्स को वो गलत है। क्यों? क्योंकि मे भी वो जो आयुष का प्रैक्टिशनर है उसकी कोई लिंक हो किसी कमर्शियल कंपनी से, या उसके रिश्तेदार चाचा मामा फूफा की कोई कमर्शियल वो हो, है ना। तो ऑथर का कुल मिलाकर कि ये कहना है कि जो ये एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं और जो ये बिल लाया जा रहा है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एंड दैट इज ट्राइंग टू डाइल्यूट द अथॉरिटी ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड एज वेल एज द बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। सो दैट इज द थिंग विच इज देयर। कुतुब मीनार वॉज बिल्ट आफ्टर रेजिंग टेम्पल्स, अब यहाँ कहा जा रहा है कुतुब मीनार को बनाने के पहले बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया था। इनफैक्ट कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 4 मंदिर अभी भी हैं जिनको खोलने की बात की जा रही है ना, सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर है। कुतुब मीनार एक 5-storied रेड सैंडस्टोन टावर है जिसको कि कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आपने सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसको बनवाया था एंड बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इसके पास एक कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मॉस्क भी है जहाँ पर प्रेयर होती है, कुव्वतुल इस्लाम बोलते हैं इसको एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं, आपके पास अगर कुछ हो तो आप ज़रूर बताइएगा। G7 कंट्रीज के नाम मैं आपको बता दूं, G7 के अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस एंड ईयू आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस एंड यूके, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये 7 जो वर्ल्ड के एडवांस्ड इकोनॉमीज है, प्लस इसके बाद G7+1 में आपका कौन आ जाता है? यूरोपियन यूनियन आता है। अदरवाइज कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस, यूके। G8 में पहले रशिया था लेकिन क्रीमिया पे अटैक के बाद G8 से रशिया को हटा दिया गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। इट इज नेवीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू कीप इंडो पैसिफिक सेफ। अब नेवी जो है इसी के रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन जो आज का पूछा है ना वो ऐसे ही पूछा है कि इंडिया जो है आपने देखा होगा कि मैरिटाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, स्पेसिफिकली जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, इंडियन ओशन वाला रीजन है, वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी काम कर रहा है। ऐसे में इंडिया के 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एक प्रोजेक्ट है आपका जो 15B है, प्रोजेक्ट 15B, जिसके अंतर्गत उन्होंने वो आपके मतलब कि जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो बनाए हैं, है ना, जिसमें कि आपके विशाखापट्टनम, मोर्मगांव, इम्फाल और ये चौथा सूरत, जो चौथा सूरत है, दे हैव बीन डेवलप्ड, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड दूसरा प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है 17A, प्रोजेक्ट 17A जिसके अंदर वो स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। एंड याद रखिएगा 15B के अंतर्गत डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं, डिस्ट्रॉयर्स में आपका कौन कौन से आ गए मैंने आपको बताया, विशाखापट्टनम, मोर्मगांव, इम्फाल और सूरत,
और आपका जो ये 17A है, प्रोजेक्ट 17A, जिसके अंदर स्टील फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं, इसमें INS नीलगिरी, INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, सारे गिरी वाले जो है वो याद रखिएगा स्टील फ्रिगेट है, दे आर बींग डेवलप्ड अंडर दैट, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं जो मैंने बताया है ना। तो ये दोनों प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, उनके फैक्ट्स याद रखेगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से बता दूँ, स्टैगफ्लेशन में दो वर्ड हैं, एक है लेट मी डू दैट, स्टैगनेंट, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन, स्टैगनेंट प्लस इन्फ्लेशन। तो ये क्या है, जब इकोनॉमी आपकी स्टैगनेंट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। देखो क्या होता है, और नॉर्मली क्या चलता है, नॉर्मली ये होता है कि जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है ना। जब ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि ग्रोथ मतलब कि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन भी होता है, डिमांड भी बढ़ती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। तो नॉर्मली ये साइकिल रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक तो स्टैगनेंट है इकॉनमी आपकी, स्टैगनेंट है मतलब कि जैसे कोविड का टाइम था, प्लस आपका इन्फ्लेशन हो। मतलब कि देखो क्या होता है, जब आपकी सपोज करो आपकी सप्लाई घट जाए, नॉर्मल डिमांड है लेकिन सप्लाई घट गई। सप्लाई क्यों घट गई, मान लो कोई ऐसा शॉक हुआ कि फसल ख़राब हो गई या कुछ भी ऐसा हुआ, तो सप्लाई अगर घट जाएगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ बढ़ने के कारण वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो आपकी सप्लाई के घटने के कारण बढ़ रहा है। तो मतलब एक तो आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट है, मतलब ग्रोथ भी नहीं हुई और इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो ये जो कंडीशन है वो स्टैगफ्लेशन की कंडीशन कहलाती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एंड द ज्ञानवापी मॉस्क। तो अभी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसको 1991 का एक्ट कहा जाता है। द लॉ वॉज इनएक्टेड टू फ्रीज ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन द कंट्री एज ऑन अगस्त 15, 1947। तो ये लॉ जो है उसको इनैक्ट किया गया था, तो उसने ये कहा था कि जो स्टेटस किसी भी चीज़ का 15 अगस्त 1947 का, मतलब कि अगर 15 अगस्त 1947 से कोई चीज़ टेंपल है तो वो टेंपल रहेगी, अगर 15 अगस्त 1947 से कोई चीज़ मॉस्क है तो मॉस्क रहेगी, कोई चीज़ चर्च है तो चर्च रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन दिया गया था, जैसे जिसमें बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट है उसको दिया गया था। द स्ट्रक्चर वॉज सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। द डिस्प्यूट एंडेड आफ्टर द कोर्ट रूल्ड दैट द लैंड ऑन विच द मंदिर, ऑन विच द मस्जिद स्टूड शुड बी हैंडेड ओवर टू द हिंदू कम्युनिटी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि बाबरी मस्जिद की जगह पर फिर वहाँ पे जो एक्चुअल वहाँ पे राम जन्मभूमि थी उसको वो चीज़ हैंड ओवर कर दी गई कि यहाँ पे आप राम जी का जो है वो टेम्पल बनाएंगे। तो फाइनली जो है वो जस्टिस वहाँ पे सर्व किया गया था, ठीक है ना, जस्टिस वॉज सर्व्ड देयर। नाउ द चैलेंज ऑफ द एक्ट इज अगेन इन क्वेश्चन नाउ अंडर द ज्ञानवापी मॉस्क, है ना। एक्ट सेज दैट नो पर्सन शैल कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन ऑफ द डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। तो मतलब ये कहा जाता है कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्शिप के स्थान का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है या उसका जो नेचर है वो चेंज नहीं करेगा। इट कंटेन्स अ डिक्लेरेशन दैट अ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल कंटिन्यू टू बी एज इट वॉज ऑन अगस्त 15, 1947। जैसा अगस्त 15, 1947 का था वैसा ही रहेगा। इट प्रोहिबिट्स एनी लीगल प्रोसीडिंग्स फ्रॉम बींग इंस्टीट्यूटेड रिगार्डिंग द कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड डिक्लेयर्स दैट ऑल द सूट्स एंड अपील, जितनी भी सूट्स और अपील पेंडिंग हैं बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी ऑन द कट ऑफ डेट रिगार्डिंग द कन्वर्जन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप शैल अबेट। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी कोई भी प्रोसीडिंग, कोई भी केस अगर पेंडिंग है किसी भी कोर्ट के सामने और वो अगर किसी भी स्ट्रक्चर के नेचर को क्वेश्चन कर रहा है जो कि 15 अगस्त 1947 को था, तो वो पेंडिंग केसेस जो हैं वो एंड हो जाएंगे, कोई भी प्रोसीडिंग आप इसके खिलाफ नहीं ला सकते कट ऑफ डेट के बाद की, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, अब देखो कहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं करता है। तो ये कहा जा रहा है कि 1990 एक्ट विल नॉट अप्लाई इन सम केसेस। कौन कौन से केसेस हैं, इट विल नॉट अप्लाई टू एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स दैट आर कवर्ड बाय द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो जो चीज़ें एंशियंट साइट्स, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत इंक्लूडेड है वो इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आएंगे। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज ऑफ
एनी डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज बिफोर 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स और टू द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्विएंसेंस, यानी कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई भी ऐसा सूट जो कि सेटल हुआ है या डिस्पोज ऑफ हुआ है बिफोर 1991 है ना, तो उसमें भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है ना। और जिसमें राम जन्मभूमि तो है उसका नाम तो उन्होंने स्पेसिफिकली दिया था कि ये इसके अंदर कवर्ड नहीं होगा, है ना। दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। एंड अभी देखना है कि क्या ज्ञानवापी मॉस्क का इंक्लूड करता है कि नहीं करता सुप्रीम कोर्ट, अभी सुप्रीम कोर्ट के खेमे में ही बॉल है, वो क्या बोलते हैं। इम्प्रूविंग द कोल्ड चेन सिस्टम्स, अब यहाँ पे ऑथर ने बात की, देखो एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो कि इंडिया में 1985 से चल रहा है, याद रखिएगा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है जो कि ट्राई करता है कि सबको टीकाकरण लगे, अलग अलग बीमारी हैं जिसमें 11-12 बीमारियां हैं। तो आप एक बार मुझे नाम बताइएगा, आपके लिए दो सवाल है, एक तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं और दूसरा इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष के अंदर कौन कौन सी डिसीजेज आती हैं। तो याद रखिएगा दो मिशन है, UIP जो है 1985 यानी कि 1985 का मिशन है और इंद्रधनुष जो है वो 2014 का मिशन है। इनके अंदर बीमारियां कौन कौन सी हैं, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू, गूगल करके आप बताइए इंद्रधनुष और UIP के अंदर बीमारियां कौन कौन सी हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, है ना, दैट इज अ मस्ट, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ऑथर ने कहा कि ये सब कोविड हमने देखा, कोविड देखने के बाद आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इंडिया का जो कोल्ड चेन स्टोरेज सिस्टम है यानी कि जो हमारे यहां कोल्ड स्टोरेज है वो बहुत पुअर कंडीशन में है। अगर आप देखें तो वहां पे दो इश्यूज आते, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है कोल्ड स्टोरेज का, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो कोल्ड स्टोरेज अगर आपको चाहिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, तो ये दोनों ही कंडीशन है कहीं ना कहीं पुअर है। ऐसे में ऑथर ने एग्जांपल दिया छत्तीसगढ़ का, जहां पे 72% ऑफ द हेल्थ सेंटर्स हैव सोलराइज्ड टू टैकल द इश्यू ऑफ रेगुलर पावर आउटेजेस। तो यहां पर उन्होंने कहा कि भैया रेगुलर पावर आउटेज होता था जिसके कारण वहां पर फिर हर जगह सोलर पैनल और ये सब लगाए गए। तो मतलब कुल मिलाकर एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जहां पर बिजली की कमी है या इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स नहीं मिल रही है। और इन सब चीजों को यानी कि वैक्सीन हो गया या आपकी दवाइयां हो गई, उनको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है और ये फैसिलिटीज हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए। तो वही चीज ऑथर ने कही कि हम इस पर स्ट्रेस करें और जो कोल्ड चेन सिस्टम है इंडिया का उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, तभी जाकर के चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे फार्मेसी हो, चाहे दूसरी फूड ग्रेन्स के भी केस में आपने देखा होगा कि फूड के केस में भी कोल्ड चेन स्टोरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कई पेरिशेबल गुड्स होते हैं जिनको स्टोर किया जाता है ऐसी जगहों पर, तो कुल मिलाकर के कोल्ड स्टोरेज हमारे पास अच्छा होना चाहिए। सोशल साइंसेज ऑपरेट्स विद मल्टीपल ट्रूथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, फिलोसॉफिकल आर्टिकल है जिसमें ऑथर ने कहा कि देखो क्या होता है सोशल साइंस और नॉर्मल साइंस में अंतर होता है। सोशल साइंस में कोई भी चीज़ बाइनरी में नहीं हो सकती, यस और नो में, जीरो और वन में, हम ऐसी बात नहीं कर सकते सोशल साइंस में। सोशल साइंस में मल्टीपल ट्रूथ होते हैं, अलग अलग ट्रूथ होते हैं जो कि अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एथिक्स के लिए कहा जाता है कि एवरी आंसर इन एथिक्स इज करेक्ट, बस जस्ट यू नीड टू गिव अ प्रॉपर प्रिमाइस फॉर दैट। मतलब हर आंसर एथिक्स में होता है ना, जैसे कई लोग कहेंगे मर्डर को जस्टिफाई कर देते हैं एथिक्स में, कई लोग मर्डर को जस्टिफाई नहीं करते हैं, सब क्या लग, जैसे कैटेगोरिकल वाला जो होगा, अगर कैटेगोरिकल इंपेरेटिव का कोई व्यक्ति होगा तो वो मर्डर को बोलेगा गलत है, अगर कंसिक्वेंशियल होगा तो बोलेगा कि कंसिक्वेंस क्या था, कोई चोर मर रहा था कि कोई अच्छा आदमी मर रहा था, अगर चोर मर रहा है तो अच्छी चीज है, अगर अच्छा आदमी मर रहा है तो बुरी चीज है। तो कंसिक्वेंशियल इंपेरेटिव व्यक्ति का आदमी बोलेगा कि भाई कंसिक्वेंस देखो, और कैटेगोरिकल होगा तो बोलेगा मर्डर अपने आप में गलत है इसलिए गलत है, है ना। जैसे इमैनुअल कांट, उन्होंने कहा था भाई कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ है कि भाई देखो वही चीज़ है कि सोशल साइंस में आपको स्पेस मिलना चाहिए क्वेश्चन करने का, आपको स्पेस मिलना चाहिए उसको डेसिफर करने का, रेशनली सोचने का। ऑथर ने कुल मिलाकर के यही कहा है कि सोशल साइंसेज में हम इंडिया का जो सिस्टम है प्रॉपरली जो डिजाइंड है वो अभी इतना अच्छा नहीं है कि वो लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे, जबकि हायर एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए, द मेन एम ऑफ हायर एजुकेशन इज टू डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना ही हायर एजुकेशन का मेन एम होना चाहिए। बट वॉट वी आर डूइंग इज दैट रोट मेमोराइजेशन, है ना, इवन UPSC कई लोग ऐसे निकाल लेते हैं जो लोग रोट मेमोराइजेशन, है ना, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट देर आर मेनी एग्जाम्पल्स हु हैव जस्ट सोली रोट मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, रोट मेमोराइजेशन ऑफ लक्ष्मीकांत, रोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स,
थिंग्स एंड इसके बेसिस पे उनका यूपीएससी सिलेक्शन हुआ है. एंड टुडे ऑल्सो दे आर डूइंग द सेम थिंग. दे कैन नॉट क्रिटिकली थिंक अबाउट एनी इशू. है ना, कई ऑफिसर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत ही क्रिटिकली सोच ही नहीं पाते हैं, बहुत ही शैलो लेवल पे वो सोचते हैं. है ना, आपको खुद लगेगा कि यार क्या कर रहा है ये व्यक्ति, क्या सोच रहा है, इसका इसका जो दूसरा वाइडर एंगल है ये तो देख ही नहीं पा रहा है. तो वही चीज़ है, स्पेशली जो सोशल साइंसेज हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप क्रिटिकली किसी चीज़ को सोचें, क्वेश्चन करें अथॉरिटी को. है ना, एंड कोई भी चीज़ बाइनरी यानी कि प्लस माइनस जीरो वन ट्रू फॉल्स ऐसे नहीं होती, इसमें मल्टीपल ट्रुथ्स होते हैं. ना जैसे एक कहानी नहीं है वो वाली कि किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने, सब अंधे थे तो किसी ने हाथी का पैर पकड़ा, किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने उसका मतलब ट्रंक पकड़ा, जो भी है, तो किसी ने कान पकड़े. तो लोगों ने क्या हुआ, जब जिससे पूछा कि हाथी कैसा है, तो एक ने कहा कि पेड़ जैसा है, एक ने कहा भाई रस्सी जैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी उसने कहा रस्सी जैसा है, जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि बड़ी मोटी पाइप जैसा है. है ना, तो हर आदमी थोड़ा थोड़ा सही होता है ना, मल्टीपल ट्रुथ्स हैं. फाइनल ट्रुथ हम इन सबको जब जोड़ देते हैं तब मिलता है ना. फाइनली कब होगा सच, जब सबको जोड़ दोगे तो एक फाइनल ट्रुथ निकल के सामने आएगा कि भाई ये फाइनल स्ट्रक्चर है. तो वही वाली चीज है कि आप एज अ रीडर, एज अ स्कॉलर, एज अ इंटेलेक्चुअल जब बात करो तो हर चीज के वाइडर एंगल, वाइडर कनोटेशन क्वेश्चन करके प्रॉपर उसको तब उसकी बात करो. अदरवाइज प्रॉपर बाइनरी में जीरो वन या वो ट्रू फॉल्स में उसकी बात नहीं हो सकती. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग, कीप शेयरिंग. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.